ट्विटर पर एक पोस्ट करता है कि इन आतंकवादियों को पकड़ो, इन गुंडों को पकड़ो, इन्हें गिरफ्तार करो। और हमारी ये मांग है कि ये मुकदमे एक्सपेंस किए जाएं और वहां से जो थाना अध्यक्ष हैं उनको अविलंब वहां से हटा दिया जाए। ऐसा समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। एसएसपी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि उस एसएचओ को बुलाया जाए, समाज के चार लोगों के बीच में बिठाया जाए। सनातन की सोच को कमजोर करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। परशुराम जयंती की शोभा यात्रा को लेकर ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों पर गंगो कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके विरोध में आज ब्राह्मण समाज के लोग बड़ी संख्या में पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा के नेतृत्व में पुलिस लाइन पहुंचे थे और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है, उसको लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले जी, आपका नाम? मेरा नाम रोहित कौशिक। रोहित कौशिक जी, क्या कारण मामला है, किस लिए आए थे आज? अगर भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा में हम अपने फर से स्मृति चिन्ह लेकर नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? अगर एक बहुत ही तुच्छ मानसिकता का व्यक्ति ट्विटर पर एक पोस्ट करता है कि इन आतंकवादियों को पकड़ो, इन गुंडों को पकड़ो, इन्हें गिरफ्तार करो, तो क्या गंगो का प्रशासन उन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर देगा? हम आज ब्राह्मण समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ और एसएसपी साहब से मांग की है कि ऐसे जो अधिकारी है उसे वहाँ से सस्पेंड कर पुलिस लाइन में डालने का काम करें और चार्ज ना दे जब तक यहाँ पर रहें, अन्य ब्राह्मण समाज आंदोलन करेगा। और लोग भी हैं, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश दीक्षित, पूर्व प्रत्याशी नगर सहारनपुर। अभी कप्तान साहब से हम सब लोग मिले हैं, पूरा समाज, और अभी तो कुछ भी नहीं, पूरा जिला, दो जिले, तीन जिले सब यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे क्योंकि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अगर परशुराम जी के जन्मोत्सव पर पर्सा बच्चों ने लहरा दिया है, वो भी प्लास्टिक के पर्से, तो इतना बड़ा इशू इन लोगों ने बना दिया है किसी एक आदमी की रिपोर्ट पर कि वहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। कप्तान साहब से मुलाकात हो गई, एमपी साहब, अतुल भाई, हम सब लोग मिले हैं और कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि इसकी जैन जांच करके, और हमारी ये मांग है कि ये मुकदमे एक्सपेंस किए जाएं और वहां से जो थाना अध्यक्ष हैं उनको अविलंब वहां से हटा दिया जाए। इतनी सी हमारी ये प्रार्थना है। राघव लखनपाल शर्मा जी चुनाव हारे थे लोकसभा का, उसके बाद इस तरह का उन्होंने गंगो में भाषण भी दिया था कि कह रहे हैं यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग ही बहुत कम है तो कहाँ से प्रत्याशी जीत जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कौन कह रहा है कम है, ये मामला अलग है, ये राजनीतिक मैटर नहीं है, ये हमारी आस्था का मैटर है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज कम है तो वो इतिहास उठा के देख ले, इसी लोकसभा में 1.5 लाख वोट है, 1.5 लाख वोट तो इसी लोकसभा में है। मैं नगर से चुनाव लड़ा हूँ, 42,000 वोट तो नगर में है। ये सब भ्रामिक भ्रांतियाँ सिर्फ अपना अपना टिकट कराने के चक्कर में ब्राह्मण समाज को कम बताया जाता है, आने वाले समय में पता चल जाएगा। क्योंकि ये तो अब बात वो हो गई ना कि राजनीति में जो भी अपना वर्चस्व दिखाएगा वो पद हासिल करेगा, ऐसा नहीं है। फिलहाल मैटर ये है कि ब्राह्मण समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार के लिए हम सब लोग कप्तान साहब से मिले हैं, एमपी साहब ने भी यही बात कही है कि इसकी बिल्कुल जाँच हो, जाँच होने के बाद उसे दोषी जो भी इंस्पेक्टर हैं वहाँ हैं उनको वहाँ से हटाया जाए, सजा मिले, हमारी यही मांग है बस। ठीक है पंडित जी, आपका नाम? मैं राजनीति की बात नहीं करता, ना ही राजनीति से मेरा कोई ज़्यादा लेन देन है, पर मैं इतनी बात जरूर करता हूँ कि अपने सनातन देश में रह करके, भारत देश में रह करके, क्या सनातन संस्कृति के, सनातन संस्कृति जिसके जितने भी चिन्ह हैं क्या उनको उठा करके रख दें? हम अपने शंख, घंटी, माला सब रख दें उठा करके, क्या हम उनको शंख बजाने का हमें अधिकार नहीं है? क्या हम अगर भगवान शिव की शोभा यात्रा हम निकाल रहे हैं तो क्या उसमें हमें त्रिशूल लेकर के चलने का अधिकार नहीं है? क्या हम यदि हम हनुमान जी का कोई जन्मोत्सव मना रहे हैं तो क्या उसमें उनका प्रतीक चिन्ह हम गधे को धारण नहीं कर सकते? क्या हम भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं तो क्या हमें वहां पर जो है फरसा प्रतीक चिन्ह लेकर के हम अपने भगवान का, अपने आराध्य भगवान का जन्मोत्सव की प्रसन्नता, खुशियाँ नहीं मना सकते क्या? और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो धिक्कार है ऐसे भारत देश में रहने का, बेकार, क्या व्यर्थ की बातें भाई। हमने परमिशन ली प्रशासन से, कानून का पालन किया, उसके तहत हमने वहाँ शोभा यात्रा की व्यवस्था रही है सब, और सब लोग अपने अपने जो है आनंद महोत्सव को मना रहे थे, और इसके ऊपर जो है मुकदमे कायम कर दिए गए, तो क्या फिर तो भाड़ी धीमान अपना बसोला जो है आरी नहीं चला पाएगा, उसे प्रतीक चिन्ह बाहर सामने रखने का कोई अधिकार नहीं है? ये कौन सी बात है, कौन सी मानसिकता है? तो इस मानसिकता ये कहीं ना कहीं किसी ईर्ष्या और षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया है, ऐसा समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और यदि वहाँ के जो प्रशासन है, एसएचओ हैं, उनको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए
और अगर नहीं ले पाए और इस प्रकार के झूठे मुकदमे हुए तो समाज को एक छत्र के नीचे आना पड़ेगा, समाज के हित में आना पड़ेगा। ये हमारी धार्मिकता का सवाल है, इस पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं होगा, सहन नहीं होगा। और लोग भी हैं, आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन पंडित है, मैं महाराज सिंह कुल से पूर्व का छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। ये जो प्रकरण चला है, हम पता चला भगवान परशुराम जी का जब भी कार्यक्रम होता है, भगवान परशुराम जी का हम कोई भी कार्यक्रम ब्राह्मण समाज के द्वारा पूजा पाठ के साथ विधि विधान से किया जाता है। जब भगवान परशुराम जी को जितना पूजते हैं हम उतना ही भगवान परशुराम जी के जो प्रतीक है फरसे को, उसकी भी पूजा याचना के साथ ही हम पूजा करके ही कार्यक्रम शुरू करते हैं। परंतु वहाँ गंगो की ऐसी छोटी मानसिकता वाले अधिकारी जिसको एक जातिगत के आधार पर समाज को टारगेट करने का काम किया, जिसके कहने पर काम करने का काम किया, मैं पुलिस प्रशासन आज पुलिस लाइन में हम मिले हैं ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा, एसएसपी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि उस एसएचओ को बुलाया जाए, समाज के चार लोगों के बीच में बिठाया जाए कि अगर अपने भगवान के जिसमें हमारी आस्था है, क्या हम उसकी पूजा पाठ करनी छोड़ दें, हम मंदिर जाना छोड़ दें, क्या हम अपने बच्चों को बताना छोड़ दें कि भगवान परशुराम जी हमारे भगवान है, आराध्य देव है, भगवान शिव जी को हम बताना छोड़ दें, माता कुमारी देवी के मंदिर में जाना छोड़ दें। तो इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा हमला ये ब्राह्मण समाज पर है, उसके साथ साथ ये हमारे देवी देवताओं पर भी हमला है। ऐसे सोच के मानसिकता के सोच के अधिकारी को तत्काल सस्पेंड होना चाहिए, उसके कठोर कार्रवाई, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और लोग भी हैं, आपका नाम? अतुल पराशर है मेरा नाम। क्या कहेंगे पूरे प्रकरण को? आप सब लोगों से आपकी बात हुई है, स्पष्ट है, जो मुझे लगता है इसमें कोई ना कोई राजनीतिक, मैं षड्यंत्र नहीं कहूँगा, राजनीतिक सोच अवश्य काम करी है। जिस प्रकार से सशक्त उपस्थिति राघव भाई ने दर्ज कराई लोकसभा इलेक्शन में, और जब पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा एक वोट स्विंग था, उसके बावजूद भी राघव भाई ने अपना वोट प्रतिशत मेंटेन करा, तो ऐसा लगता है कि भविष्य को देखते हुए शायद ब्राह्मण समाज को, सनातन की सोच को कमजोर करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। तो ये ब्राह्मण समाज के लोग जिनमें रोष व्याप्त है गंगो प्रकरण को लेकर, और इनका कहना है कि एसएचओ के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। शेष यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।